राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की मुहिम शुरू की है और इस मुहिम को कारगर साबित करने के लिए दिल्ली में जगह जगह चौक चौराहों पर रेड लाइट पर सिविल डिफेंस के जवान तैनात किए गए हैं जो लोगों से रेड लाइट के दौरान गाड़ी ऑफ की अपील कर इस मुहिम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी के तहत दिल्ली के मधुबन चौक की रेड लाइट पर सिविल डिफेंस के जवानों की एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। मधुबन चौक की रेड लाइट पर सिविल डिफेंस के जवान लोगों को फूल देकर गाड़ी ऑफ की अपील कर रहे हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर सिविल डिफेंस के जवान कोरोना के मद्देनजर भी लोगों के हाथ सैनिटाइज कराकर कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। पब्लिक का रिएक्शन बहुत काफ़ी अच्छा है, हर बंदा पूरी कोऑपरेट कर रहा है, जैसा उसको कहा जा रहा है गाड़ी बंद हो रही है और कोई इसमें बंदे कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, अब काफ़ी अच्छा बदलाव है और लोग बात प्रॉपर मान रहे हैं। बहुत अच्छा है, इसे पोल्यूशन रिकॉर्ड हो रही है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा बचाव हो रहा है, लोग अवेयरनेस हो रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं पर हाँ पर अच्छा अच्छा रिस्पांस तो है क्योंकि हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जो लगे हुए हैं वो अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं अपना। सर ये आजकल क्या है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कोरोना के चलते हम लोगों को एक तो पॉल्यूशन के प्रति अवेयर कर रहे हैं और ऊपर से ये कोरोना के लिए अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि आप लोग मास्क भी लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करके चलें। हमारा मकसद ये है लोग कोरोना से भी बचे और दिल्ली में पोल्यूशन भी ना हो। सर पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रही है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन हमारा काम है उन्हें मनाना, हम उन्हें तरीके से मनाते हैं कि उन्हें ये रियलाइज़ हो हाँ भाई हमें ये चीज़ करनी चाहिए। दूसरी ओर इस पहल में अब धीरे धीरे आम लोगों का सहयोग भी देखने को मिल रहा है। अधिकतर चौक चौराहों पर अब आम जनता भी इस मुहिम का समर्थन करते हुए रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करते दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस मुहिम के जरिए ईंधन की खपत को भी रोका जा सकता है और काफ़ी हद तक प्रदूषण पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। लोगों का यह भी कहना है कि इस मुहिम से दिल्ली में वाहन चालकों में बदलाव देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि किसी भी मुहिम के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी की भी ज़रूरत है, लिहाजा हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम अपने स्तर पर भी इसकी पालना करें। सर कुछ हो या ना हो यहाँ तो यही है कि एक काम करे तो भेड़ चाल हो जाती है, शायद हो सकता है इसके भरोसे कुछ और काम भी हो जाए। सर होगा ही क्यों नहीं होगा, आप ही बताओ ना, अगर जितने भी लोग बंद करेंगे उतनी देर तो बंद हो गए ना, तो कंजम्पशन कम हो गई ना, हो जाएगा सर। पहले जहाँ पर दो दो मिनट एक एक मिनट की लंबी लाइट होती है वहाँ पर गाड़ी ऑन ही रहती है, कई कार वाले तो ऐसे हैं एसी की वजह से चलाए रखते हैं तो प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन अब ये मुहिम चलाई है असर तो पड़ेगा, बहुत अच्छा होगा अगर ऐसे हमारे साथ काफी लोग अगर जुड़ जाए, इंजन अपना ऑफ कर दें रेड लाइट ऑन होने के बाद तो प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाएगा। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा किया है, आप सबको हमारी हेल्प के लिए लगाया, इसमें सबका फायदा है, सारे सब ये समझ के चलेंगे तो प्रदूषण बहुत कम होगा। सर बहुत अच्छा है और सबको करना चाहिए। क्या लगता है प्रदूषण को रोकने में काफ़ी फर्क पड़ेगा, काफ़ी बंद करने में फर्क तो पड़ेगा, और क्या लगता है मतलब सरकार का ये जो मुहिम है कितना अच्छा है कितना सराहनीय है? अच्छा ही है, इसमें फायदा ही नुकसान तो है नहीं। बहरहाल दिल्ली सरकार की प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में जहां एक ओर सिविल डिफेंस के जवान अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अब धीरे धीरे दिल्ली की जनता की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। दिल्लीवासी भी इस पहल को सराहनीय बता रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली सरकार की यह पहल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कितना कारगर साबित होती है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।